हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना पसंदीदा कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन और मैं हूँ आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता। चलिए फिर आज भी किचन में चलते हैं और एकदम ही जबरदस्ती रेसिपी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अमृतसरी चना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए, मैंने एक कप चने लिए, काबली चने आपने लेने हैं और इनको ओवरनाइट सोक करना है। सोक करने के टाइम आपने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है और सुबह आप अच्छे से 3-4 बार इसको धो लें साफ पानी से ताकि सोडा सारा निकल जाए। और इनको मैंने बॉईल किया है, प्रेशर कुक आप कर लें। एक विसल बजने के बाद आप 10 मिनट्स इनको कुक कर लें। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गए। और थोड़ा सा नमक आप डाल लें कुक करते टाइम। तो चलिए अब आगे बनाते हैं इनको। अब आगे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ये अच्छा गर्म हो गया और फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इसमें 1 टीस्पून राई दाना डाल देते हैं और एक इसमें काली इलायची डालेंगे और 2 लौंग, इनको भुनने देते हैं। चलिए ये सब तो अच्छे से भुन गया है। अभी इसमें एक अनियन ऐड करेंगे, मीडियम आप अनियन ले लें, इसको एकदम फाइन स्लाइस कर दें। चने तो आपने बहुत ही तरह के बनाए होंगे, खाए होंगे, मिक्स कर देते हैं, लेकिन इस तरीके के आपको एकदम ही डिफरेंट लगेंगे, इसके फ्लेवर्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और जब तक प्याज में अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हम इनको कुक करेंगे। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया प्याज में, थोड़ा ऐसे डार्क ही आना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे ये है ऐसे ही आपने करना है। अभी फ्लेम स्लो कर दिया मैंने और थोड़ा ऐसे ऊपर कर देती हूँ प्याज ताकि और ज़्यादा ना जल जाए। अभी इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। बस ये सारे मसाले डाल दिए, मिक्स कर देते हैं एक बार और इसमें चने डाल देते हैं। ये चनों को आप पूड़ी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं या पराठी के साथ खाएं, आप कैसे भी खाएं आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने अभी डाला चनों का, बाकी 1 कप के करीब बचा हुआ है वो बाद में ऐड करेंगे। मेन जो ये चने मैं बना रही हूँ इसमें आपको मसालों का ही टेस्ट इतना अच्छा लगेगा। कोई इसमें अदरक नहीं है, लहसुन नहीं है, टमाटर नहीं है, फिर भी आप देखेंगे आपको इतने ज़बरदस्त ये लगेंगे खाने में कि आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जब खाएंगे। और 10 मिनट ऐसे मीडियम फ्लेम पे अभी चनों को हम भून लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों चनों को ऐसे मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए। कलर आप चेक करिए कितना बढ़िया कलर आ गया अभी और खुशबू भी कितनी ज़बरदस्त आ रही है, जबकि हमने इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डाली। चलिए अब इसमें हमने खटाई के लिए दही ऐड करनी है। 1/2 कप लेंगे, एकदम अच्छे से फेंट के आप डालें। दोस्तों, चने तो वैसे ही सबको बहुत ही पसंद होते हैं और आपको पता है कि प्रोटीन से भी एकदम ही भरपूर होते हैं और इसमें आगे पनीर भी जाएगा। एकदम ही हाई प्रोटीन रेसिपी बन रही है और खाने में तो क्या ही कहने, कितनी ज़बरदस्त ये लगेगी आपको। अब चनों की रेसिपी में आपने देखा कहीं अमचूर पाउडर डाल देते हैं, कहीं अनार दाने भी डाल के बनाते हैं, चना मसाला भी आपने देखा मैंने कोई यूज़ नहीं किया इसमें। दही से ही अच्छा फ्लेवर आएगा और खटास भी लगेगी आपको। दही डालने के बाद चलाते हुए 5 मिनट ऐसे ही हम कुक करेंगे। दोस्तों, दही डाल के भी अच्छे से कुक हो गया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मसाला बन गया। अब इसमें पनीर ऐड करेंगे, 150 ग्राम क्यूब्स में कट किया हुआ डाल देंगे छोटा छोटा, और साथ ही इसमें 3 हरी मिर्ची डाल देंगे स्लिट करी हुई, मिक्स कर देंगे। और अभी आप देख रहे हैं ये एकदम ड्राई हो गए हैं, पानी इसका सूख गया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, ये चनों का ही पानी मैं डाल रही हूँ जो मैंने पहले रखा हुआ था 1 कप, मिक्स कर देंगे। चलिए ये भी मिक्स हो गया। अभी इसको हमने कवर करना है, फ्लेम स्लो कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए ऐसे कवर करके हम कुक करेंगे। दम पे हमने कुक करना है ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से रच जाएं पनीर में भी। 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों कुक करे हुए, चलिए अभी खोलते हैं। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है खोलते ही। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, ये आप लास्ट में ही डालें, और थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये ज़बरदस्त से अमृतसरी चना मसाला बनकर एकदम तैयार हो गया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मेरे को बताएं कि आपको ये कैसी लगी। फिर मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।